तो दोस्तों मैं हूं अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको पता ही है कि अभी मैं जा रहा हूं सिंगापुर। बस यहां वेट कर रहा हूं अपने बोर्ड होने का। कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, इमिग्रेशन आराम से क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वीज़ा, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। तो बस फटाफट यार चलो बोर्डिंग चालू हो गई, तो मिलते हैं फ्लाइट के अंदर। अब तो अभी मैं हूँ सिंगापुर एयरलाइंस की SG403। बहुत शानदार क्राफ्ट है यार, मतलब मस्त क्राफ्ट है ये। आपके लिए सन स्क्रीन लगी हुई, सारी सुख सुविधाओं से लैस। कोई बहुत ज़्यादा इसमें अभी सवारियाँ नहीं थी, लगभग पूरा खाली है ये। और मेरे आजू बाजू वाली दोनों सीट्स खाली हैं, तो आराम से लेट के जाऊँगा पूरे रास्ते में। लोग आना शुरू हुए हैं, कैसा लग रहा हूँ भाई, सही ना? चलो कुछ आपको क्राफ्ट के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। अब सामने LED पैनल, ये लाइट कंट्रोल, USB चार्जिंग पॉइंट, ये फास्ट चार्जर है। मूवी चल रही है, मूवी देखेंगे, गाने सुनेंगे। तकरीबन 5.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। इंडिया और सिंगापुर में 2.5 घंटे का डिफरेंस, सिंगापुर हमसे 2.5 घंटे आगे हैं। देखिए मेरा दोनों सीट्स खाली, काफ़ी स्पेस है लगेज रखने के लिए। यार भूख भी लग गई, मेरे ख्याल से खाना 2 घंटे बाद में आने वाला है। खाना पूरा खाली, लगभग खाली है। ये उन्होंने बाद में केयर किट दिया है, इसके अंदर वो नैपकिन वगैरह है, नैपकिन और ये आपके सीट हैंडल्स वगैरह साफ करने के लिए जो हाइजेनिक हुआ था ना वो है। देखिए मास्क, ये वाइप्स, ये थोड़ा पहुंचने के लिए, और ये आपके हैंडल वगैरह सीट पर पहुंचने के लिए। और एक दिया उन्होंने आपके ईयरफोन्स का पाउच, तो अपन सुनेंगे मूवी को, समझ में आए नहीं तो गाने सुनेंगे अपन पुराने। बाकी मैं ज़्यादा देर हेडफोन लगा नहीं सकता कि कान दुखने जाते हैं मेरे, कानों में पेन स्टार्ट हो जाता है। चार्जिंग पोर्ट लगा लिया उन्होंने, सबसे मोबाइल तो चार्ज कर ही लो। और उसमें कोई ज़्यादा सिलेक्शन का ऑप्शन था नहीं। चलो वही आ गया खाना, रेड वाइन, ये वेज थाली है इनकी, बन, स्ट्रॉबेरी क्रश, शानदार यार, बहुत सही है था ये। मदर डेयरी का, दिल्ली का वैसे फेमस है। रेड वाइन भी भर के दे दी। ये आपके मिल्क, चाय पियो दो, तो दिखाता हूँ आपको मैं थाली। ये टड़े चावल, बटर, आपके बटर मसाला, पनीर, और सर पता नहीं क्या गोभी कुछ है। पनीर अच्छा था, चावल भी बढ़िया थे। वाटर बॉटल, ये तकरीबन 1 घंटे बाद हमें सर्व कर दिया गया था। अमूल का बटर भी है बन लगाने के लिए, तो चलो टेस्ट करते हैं। ये बड़ा सही था यार, टेस्टी। करवाना खा लिया, ट्रे वगैरह दे दी, बस अब टाइम पास करते रहो। और मुझे तो वैसे भी फ्लाइट में ना यार बहुत मसल सिकनेस हो जाता है। तो चलो पहुंच गया मैं यहाँ पे। इमिग्रेशन में कोई सवाल नहीं पूछा मेरे से, क्योंकि सब कुछ मैंने दे रखा था अपने अराइवल कार्ड के अंदर। बाकी ऊपर माई बटन में डाल दूँगा,
इमिग्रेशन के बाद क्या क्या हुआ वो आप दे सकते हैं। अभी मैं बैठा हूँ सिंगापुर एग्ज़िट पे, एयरपोर्ट एग्ज़िट पे अपने टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। तो ये मैंने टैक्सी कर ली, टैक्सी करके मैं जा रहा हूँ डाउन टाउन जहाँ मैंने होटल ले रखा था, और तकरीबन टाइम हुआ है सुबह के 4:30-5:30। टैक्सी निकलते ही बाहर मिल गई थी, मेट्रो अपनी मीटर टैक्सी है तो वो इसमें झमेला नहीं है। तो बस अब ऐसी सड़कों पर घूम रहा हूँ। ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये है अपने चना टाउन की गली के अंदर ही घर पर बनी हुई पेंटिंग, कितनी शानदार बना रखी है। एक्चुअली अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने ERT टेस्ट के लिए। होटल में सामान रख दिया मैंने, और अब होटल में सामान रखने के बाद क्या क्या हुआ इन दोनों वीडियो के लिए आप ऊपर आई बटन में होटल दिया है मैंने, उसमें आप देख लेना क्या क्या मेरे साथ में हुआ। 10 बजे मेरा ERT टेस्ट होना है QTC के अंदर। ATA एक मेडिकल सेंटर है, वहाँ मैंने बुक करवा रखा है, तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ। तो सड़कों पर टाइम पास कर रहा हूँ। खाना वाना मैंने खा लिया, खाना लिया, चाय वाय पी ली, और बस टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे। सुबह का तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा है अभी, और धूप बहुत तेज है। अब जब मेरे ट्रैफिक भी शुरू हो गया, अभी मैं हूँ चाइना टाउन के एरिया में। यहाँ से मैं पहले जाऊँगा अपना ERT टेस्ट करवाने, और उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है आज। ये पूरा चाइना टाउन, ये पहुँच चुका हूँ मैं अपने सेंटर के अंदर। Center 1 नाम है इसका। ये QTC सेंटर है जहाँ मुझे अपना ERT टेस्ट करवाना है। इसकी कॉस्ट $15 है, और 15 मिनट्स के अंदर मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ये सेंटर के बाहर का सीन है, यहाँ स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है। मुझे बाहर वेट करने के लिए बोला गया, टेस्ट का वेट कर रहा हूँ मैं भी। बस वेट कर रहा हूँ अपने QTC का, बोला 15 मिनट में चला जाएगा। अभी एक बंदा है साथ में जिसका होना है, उसके बाद मेरा नंबर है। तो यह है अभी अनचोज रोड पे। बस अभी मेरा कोविड टेस्ट हो गया, बोला 15 मिनट वेट करो। अभी कोविड हो गया अभी, बोला 15 मिनट वेट करो। अभी आप रिजल्ट देते हैं। QTC सेंटर बोलते हैं उसको। $15 कर लगा है मेरा, तो बस अभी वेट कर रहा हूँ, उसके बाद होटल जाना है। बाकी बातें आप होटल जाके बताता हूँ मैं। तो बस टेस्ट हो गया मेरा अब, और बस अब वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। 15-20 मिनट का टाइम बोला उन्होंने, और इसके बाद फिर होटल जाऊँगा, फिर बताऊँगा। बहुत धूप हो रखी है, तकरीबन टाइम हुआ है 10:30।